तो भाई यहाँ पे हम सीख रहे हैं हरा भरा कबाब जो शादी में हम खाते हैं स्नैक्स, वो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे लिया है मूंगफली के दाने, इसको मिक्सी में पीसा है। ये कितना का भैया मूंगफली का दाना? मूंगफली का दाना भैया 50 ग्राम है। 50 ग्राम। और ये उबला आलू, अरे जो आलू दिख रहा है ये 3 से 4 आलू है। इसमें भैया ने डाला है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच आपकी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, और ये डाला है भैया ने जीरा। ठीक है, फिर से आपको बता दो, 50 ग्राम ये आपका होगा मूंगफली का दाना, इसको मिक्सी में पीसना है। 3 से 4 ये उबले आलू है, आपने डालना है इसमें नमक, मिर्च, अजवाइन और जीरा बारीक बारीक। तो यहाँ पे पालक काट रहे हैं, वैसे इसको इसको मिक्सी में भी पीस के डाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डाल रहे हैं मिक्सी में, ये भी कर सकते हो या काट के भी डाल सकते हो। तो ये पालक होगा आपका कम से कम 50 ग्राम, और अरारोट डाला है इसमें। अरारोट तो बता दो भैया कितना होगा? अरारोट 100 ग्राम। 100 ग्राम इसमें अरारोट होगा। बेसन ये देख लो, ये 50 ग्राम आपका कटा हुआ डाल दिया पालक, 50 ग्राम आपका पिसा हुआ डाल दिया है पालक, बेसन डाल दो, और इसमें है आपका अरारोट 100 ग्राम, और इसको अच्छे से मिलाना है। इस बार आपको बहुत सही तरीके से सिखा रहे हैं, पिछली बार अगर आपने देखा होगा पुराना वीडियो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इसी को देखना अच्छे से, इसमें आप अच्छे से सीखो। इसमें काफ़ी सारी क्वांटिटी में चीज़ें गई हैं, पिछली बार वाला वैसा था, झटके में नहीं होता वो चीज़ थी। तो यहाँ पे पूरा सही तरीके से बता रहे हैं, बट लेकिन अगर आप इसको ऑथेंटिक तरीके से कंपेयर करोगे तो या फिर वो फिर गलत चीज़ है। ये शादियों में जैसे हलवाई लोग बनाते हैं वैसे हम सीख रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या डालने वाला है, वो आगे देखते हैं। ये देख लो भैया ने थोड़ा सा इसमें अरारोट और डाला है, और अब डाल रहे हैं भैया इसमें ये बेसन। ये बारीक बेसन है भैया मोटा? मोटा मोटा बेसन है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा बेसन डाला है, होगा ये कम से कम 50 ग्राम। इससे करारापन आता है बेसन से, भैया कह रहे हैं करारापन आता है। ये देख लो तरीका, उसी में डाल के भैया ने तेल लगा दिया, इसमें हल्का सा तेल लगाया, उसी में जो पीछे कढ़ाई है ना उसी में। ये देख लो बहुत आइटम है, कोई बात नहीं अभी करता हूँ, दो मिनट बन जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी लोई तोड़नी है, काम कर रहा है ना काम के हिसाब से, यही आप लप्पा जप्पी नहीं होती नहीं होने सिखाएंगे सही तरीके से। ये देख लो तीन तीन एक साथ इस तरीके से आपने बनाना है, जैसे उसकी शेप होती है बस। बहुत अच्छा कुंदर बहुत नहीं रहा तो नहीं कर। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। तो चलिए फिर अब इसको जब तलेंगे तब देखते हैं। तो भाई ये देख लो यहाँ पे सारी ऐसी इसकी शेप बना दी है भैया ने। ठीक है, ये हम बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में सीख रहे हैं, जब हमने पहले सीखा था तो यार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई थी। ये हो चुका है, अब यहाँ पे करेंगे तेल गरम। तेल भैया कैसे रखना है बता दो? मीडियम 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 आंच पे आपने इसको पकाना है। और ये दो बारी में होगा या एक ही बारी में? एक ही बारी में पूरा पक जाएगा। कितने मिनट पक जाएंगे इसको वैसे? 5 से 7 मिनट में आपका बन के रेडी हो जाएगा। और फिर भी जब आप घर पे बना रहे हो तो एक बार चेक कर लेना, खा के देख लेना, हो जाएगा तो फिर गैस बंद कर देना। तो चलिए तो होने देते हैं। तेज आंच पे छोड़ोगे कच्चा रह जाएगा। ठीक है भैया, कह रहे अगर आप तेज आंच पे छोड़ोगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर ऊपर से पक जाएगा, इसलिए इसको मीडियम आंच पे अपने से पकाना है। तो चलिए पकने देते हैं, जब ये फाइनल बन के बाहर आएगा तब आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो वेज कबाब, वेज हरा भरा कबाब हमारा रेडी हो चुका है। इस कलर का जब हो जाएगा आपने इसको निकाल देना है। ये देख लो भाई, ठीक है ये डन हो चुका है। इसके बाद आप इसमें डालिए चाट मसाला, सॉस, जिस मर्जी में आप इसको खाइए, ये फुल डन है, ये एक बारी में फुल डन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रेंच फ्राइज भी है, मंचूरियन भी है, जैसे शादियों में होता है ना काफ़ी सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी हरा भरा कबाब की। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।